Everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about IIT JAM 2021 mathematics का जो आज आंसर की रिलीज हुआ है. इनफैक्ट सारे IIT JAM के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर सारे पेपर्स के आंसर के आज रिलीज हुए हैं, लेकिन चूंकि मैं मैथमेटिक्स में हूँ तो मैथमेटिक्स का ही बातचीत करूँगा. तो आप जाइए और साइट पे जाइए, है ना, अपना जो ऑर्गेनाइजिंग है इंस्टीट्यूट IISc बैंगलोर वहाँ जाइए, उसका क्वेश्चन पेपर साइट पे जाके कैंडिडेट लॉगिन ना जाके आप अपना जो साइट है उस पे जाके आंसर की वगैरह अपना डाउनलोड कर लीजिए. ओके, और क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कीजिए, दोनों ज़रूरी हैं. क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप में जो क्वेश्चन नंबर वन होगा वो हो सकता है कि वो वहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो वहाँ पे वो आंसर की जिस बेसिस पे बना हुआ है वहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन वन 17 हो, 10 हो, या 6 हो, या 5 हो. तो उसके अनुसार सब जाइए और आप अपने क्वेश्चन जो आपका रिस्पॉन्स शीट है वो भी सामने रखिए और रिस्पॉन्स शीट में देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, वहाँ पर वो क्वेश्चन कहाँ पर है, उसका आंसर क्या है, उसके अनुसार से आप देखिए. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पर जो ऑप्शन है ABCD है ना, उसका उधर जो क्वेश्चन है करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन वहाँ पर हो सकता है कि ऑप्शन में भी उन्होंने कॉम्बिनेशन लगाया हो कि आपका जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 5 का, लेट से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए वहां पर जो मैच हो रहा है क्वेश्चन 5 लेट से 10 पे, वहां पे 10 में आपका जो यहाँ का ऑप्शन ए है वहां हो सकता है कि ऑप्शन डी हो. तो इस टाइप से ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मिला वहां पर तो एट इज इज आंसर वहां पे ऑप्शन नहीं, वहां आपको ऑप्शन भी मैच करने होंगे. तो इसलिए थोड़ा आराम से ध्यान से हड़बड़ी नहीं करना है, तो ऐसा भी हो सकता है पूरा आपका जीरो आ जाए. तो रीजन क्या है कि आप गलत तरीके से चेक कर रहे हैं. तो थोड़ा आराम से ऑप्शंस को ध्यान से रख लीजिए, देख लीजिए कि आपने जो टिक मारा ऑप्शन वो वहां पर किस ऑप्शंस में है और फिर वहां पर आंसर की क्या है उस अनुसार से करेंगे. थोड़ा सा समय लगेगा बट इवेंचुअली हो जाएगा, ठीक है. आराम से कीजिए और ढंग से कीजिए, ठीक है. तो ऐसा करेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, नेगेटिव वगैरह कट के कितना नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, जितने भी आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस बनाए होंगे उस हिसाब से. और उसको देखने के बाद एक चीज पे आपको ये ध्यान देना है कि इस पे अब रैंक के बारे में जो आप लोगों का जो एक ध्यान देने वाली बात है कि कैसा रहेगा, है ना. तो यही मैं बोलूँगा कि इस बार का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था, इस बार रैंक जो है पिछले के कंपेरिजन, है ना, थोड़ा सा कम हो सकता है. जैसे पिछले बार फॉर एग्जांपल कट ऑफ लेट्स से 20 था, है ना, पिछले बार मतलब 20 मार्क्स पे आप पास हो रहे हैं, इस बार 2 या 3 मार्क्स कम होगा, है ना, ऑन एवरेज जैसा लग रहा है माहौल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अच्छा एग्जाम नहीं गया है जैसा फीडबैक आ रहा है. बट एनीवे, और मिस्टेक्स भी अच्छे अच्छे बच्चों से हुआ है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इस बार बहुत अच्छा था, है ना. मतलब अच्छा इन द सेंस कि थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस थे जो अच्छे कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे उसमें, है ना, रियल के पार्टिकुलरली बहुत अच्छे क्वेश्चन थे. तो उस टाइप पे मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, बट आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने अच्छा बनाया भी है. बट उस बेसिस पे मैं ही बोलूँगा कि ठीक है, कट ऑफ थोड़ा बहुत कम हो सकता है और मार्क्स का जो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर पिछले साल अगर 50 मार्क्स पे 200 रैंक आया था, इस बार हो सकता है 45 मार्क्स पे आ जाए, है ना, या 46 या 47 ऐसा कुछ. तो ऐसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा गैप नहीं कि 10 मार्क्स का गैप हो जाए, बट हाँ कुछ पिछले कंपेरिजन लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ होने वाला है. लेकिन ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार बहुत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में है नहीं. तो एक सजेशन है, प्रैक्टिकल है, जो स्टूडेंट लोगों से बातचीत हुई है, जो उनका फीडबैक है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. मेरे लिए तो क्वेश्चन जो पिछले साल का क्वेश्चन था वैसा ही इस बार का भी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि रियल के क्वेश्चन अच्छे थे, है ना. मैं टफ या आसान तो नहीं बोल रहा, अच्छा था, सोचने वाला क्वेश्चन था, मज़ेदार था और इंटरेस्टिंग था. तो एनीवे, अब जो है सो है, आप अब आगे की तरफ मूव कीजिए, आगे देखिए और बेटर आप क्या कर सकते हैं, है ना, ताकि ये सारे जो मिस्टेक्स जैम में हुए क्वेश्चंस को मिला के देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आपसे हुआ है, किस जगह पर क्या रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ढूंढना बहुत ज़रूरी है. वो रीज़न ढूंढिए और आगे एग्जाम से मिस्टेक ना हो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है. और उसमें किसी टाइप की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ. ओके, चलिए मिलते हैं आप लोग से, टेक केयर, बाय.